तो भाई आज हमारे पास एक और बहुत ही बड़ा बॉक्स, और इस बार जो अपने पास बॉक्स है ये है एक मॉनिटर का। आओ दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई फाइनली अपना लीजियन मॉनिटर। तो ये एक 27 इंच का कर्व्ड मॉनिटर है 280 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और भाई 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है इसमें। तो ये एक प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर है। तो मेरे चूल हो रही है भाई, अब इसको फटाफट से टेस्ट करने की, अनबॉक्स करते हैं। भाई साहब सीधा खोल दिया भाई, लेटा करके खोलना है इसको, मेरी तरह खड़ा करके मत खोल देना। तो एक मिलता है इसके अंदर हमें स्टैंड, और मेटल का लग रहा है भाई ये, क्या ही तगड़ा स्टैंड लग रहा है भाई, एकदम प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बो है बिल्कुल। एक आती है इसके साथ भाई अपनी डीपी केबल, किसी को नहीं पता तो देख लो भाई, ऐसी होती है अपनी डीपी केबल, दो मोटी मोटी पुस्तकें, और इसके अंदर है अपने कुछ स्क्रूज, आई गेस स्टैंड के लिए होंगे ये। एक मिलती है हमें काफी हैवी ड्यूटी वाली बढ़िया पावर केबल, और प्लग वैसे नॉर्मल वाला ही है ये जो 3-पिन सॉकेट में जाएगा। और भाई ये पता नहीं क्या तगड़ा सा निकला इसमें से, लेट अस चेक इट। ओ भाई बेसिकली मॉनिटर के पीछे लगेगा आई गेस, और हाइट वाइट एडजस्ट हो जाएगी इसके थ्रू अपनी, ये शायद ऊपर नीचे हो जाएगा, सेटअप करते वक्त देखेंगे। ऐसा लग रहा खाली हो गया लेकिन नहीं भाई, असली चीज है अंदर। अब फाइनली निकलता है भाई अपना मॉनिटर। ओहो भाई निकल जा निकल जा, ये आ गया भाई अपना मॉनिटर फाइनली बाहर, सामने से देख सकते हो कैसा ये भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है यार। तो ये भाई फाइनली अपना मॉनिटर, काफी कर्व्ड वाली फीलिंग दे रहा है, बढ़िया। अब इसे फटाफट से सेटअप करते हैं, जोड़ते हैं इसके अंदर ये सारे स्टैंड वैंड, और फिर दिखाएंगे तुम्हें फाइनल लुक। सेटअप करते वक्त सबसे पहला काम अपनी डिस्प्ले की रक्षा करनी है तुम्हें, तो ये वाली पन्नी बिछा करके फिर उसके ऊपर अपना मॉनिटर लेटाना, ताकि टेबल के थ्रू डिस्प्ले में कोई स्क्रैच ना है भाई। देन इस पर्टिकुलर मॉनिटर के अंदर सबसे पहले हमें ये वाला स्टैंड लगाना है, और ये वीजा माउंट इसके ऊपर जो दे रखा है हमें, इसके ऊपर यहाँ पर हमें ऐसे एडजस्ट करना है, बिल्कुल सेट कर दिया। तो ये 4 स्क्रू हमारे इसके साथ आए थे, और इन्हें कसने के लिए एक चाहिए स्क्रू ड्राइवर। एक एक करके भाई सबके अंदर स्क्रू सेट कर दो पहले। लो जी भैया अब इसे सेट करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक स्क्रू टाइट हो गया, अब दूसरे को करते हैं, बाकी के दो भी कर लो भाई। अब तो पीछे वाला स्टैंड तो लग चुका है भाई, अब जो दूसरा स्टैंड है यानी कि ये वाला, इसको हमें यहाँ फिट करना है अपने इस वाले स्टैंड के पीछे। तो देख सकते हो यहाँ पर भी ये 3 चीजें दे रखी है, जो यहाँ पर हमें छेद दे रखे हैं, इसके अंदर ये बिल्कुल अच्छे से फिट होगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद बस हमें इसको घुमाना है, घुमाते घुमाते भाई सब टाइट कर दो, बढ़िया टाइट हो चुका है ये। ओहो नाइस, एडजस्टमेंट काफी सारी दे रखी है इसके अंदर, इसलिए ऐसे हिल रहा है ये। तो भाई सेटअप पूरा, अब इसे रखे तो मॉनिटर पूरा का पूरा सेट हो चुका है भाई। तो ये अपना स्टैंड कुछ इस तरीके से काम आएगा, और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको जाके मैं कम्प्लीटली टेस्ट कर लेता हूँ। One eternity later. So finally, कुछ ऐसा है भाई अपना मॉनिटर, बिल्कुल अच्छे से सेट करके वीडियो सब चला के रख दिया तुम्हारे लिए हमने। अब सीधा डिजाइन की बात करते हैं, फ्रंट से देख सकते हो बिल्कुल कर्व डिस्प्ले है, तो काफी ज्यादा तगड़ी इमर्सिव फील देता है, ऐसे कर्व हो जाती है ना सामने से, तो गेमिंग में ऐसा एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है भाई। बाकी बेजल्स बहुत ही ज्यादा नैरो है इसकी साइड से, एंड ब्रांडिंग देख सकते हो हर जगह कर रखी है बढ़िया बढ़िया, बॉटम लेफ्ट में लीजियन की ब्रांडिंग, और उसके साथ कुछ स्टिकर वगैरह लगा रखे जिसमें इसके सारे फीचर्स वगैरह शो कर रखे हैं। बाकी लेनोवो की ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने स्टैंड के ऊपर, एंड बॉटम राइट में हमें मिलता है एक छोटा सा इंडिकेटर जो लाइट फ्लैश होगी जिससे पता चलेगा ऑन है ऑफ है या फिर स्लीप मोड में है। ओवरऑल ये पूरा एरिया जो है अपना मैट फिनिश में आता है, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, एकदम ब्लैक ब्लैक वाइब देता है। एंड बैक साइड से भी पूरा मैट फिनिश में आता है हमारा, पूरा प्लास्टिक बिल्ड में है लेकिन क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है। लेफ्ट साइड पर अपनी लेनोवो की ब्रांडिंग है, राइट साइड पे ऐसे वर्टिकली लीजियन लिखा हुआ जो काफी ज्यादा तगड़ा लगता है देखने में। बाकी पूरा अपना स्टैंड वगैरह सब हमने फिक्स कर रखा है इसका, वीजा माउंट कंपैटिबल ये है, तो अगर तुम कोई और स्टैंड लेकर के भी इसको सेटअप वेटअप बनाना चाह रहे हो तो वो सब इसके अंदर कर सकते हैं। और पीछे ही अपने लेफ्ट साइड पे बटन्स वगैरह दे रखे हैं, एंड बटन्स के सिंबल्स भी बने हुए हैं लेफ्ट बॉर्डर पे, और इन बटन से अपना मेन्यू वगैरह सब चीजें एक्सेस कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आगे। बाकी पीछे ही अपना नीचे की साइड एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, और बाकी के पोर्ट्स हमें राइट साइड पे दे रखे हैं, जिसमें अपने 2 HDMI 2.1 वाले पोर्ट्स हैं, एक अपना DP 1.4 वाला पोर्ट है, जो DP केबल आई थी ना स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी तुम्हें, वो इस वाले पोर्ट के अंदर लगेगी, और इसका क्या काम है वो भी मैं अभी आगे बताता हूं तुम्हें। है ये भी डिस्प्ले शेयर के लिए ही, बट थोड़ी अच्छी है HDMI के कंपेयर में। और एक मिलता है 3.5 mm वाला ऑडियो जैक। तो ओवरऑल स्टैंड्स की और मॉनिटर की सब चीजों की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, और इसमें हमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर तुम टिल्ट करना चाहो तो -5 से लेके +22 degree तक इसे टिल्ट कर सकते हो। एंड भाई ये मॉनिटर लेफ्ट राइट भी हो जाता है, अराउंड अराउंड मैक्सिमम 30 degree तक ये लेफ्ट और राइट हो सकता है, एंड रोटेट भी कर सकते हो भाई 90 degree
डिग्री तक ही एकदम ऐसे वर्टिकल बन जाता है एंड वापस घुमा दो तो फिर सीधा हो जाएगा। पूरा ऐसे 360 डिग्री नहीं घूमेगा बट -90 से +90 हो जाता है। एंड हम इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं भाई, ये देखो सबसे ऊपर जाएंगे तो इतना हो जाएगा, नीचे जाओगे तो मिनिमम इतना बिल्कुल एकदम स्टैंड पे टच हो जाता है भाई। ये कुछ 135 mm का हाइट इंक्रीज कर सकते हो तुम बेस के कंपेयर में इसकी, ऑलमोस्ट 13.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो भाई फुल फ्लेक्सिबल है ये मॉनिटर। अब थोड़ा सा तुम भी फ्लेक्सिबल हो जाओ भाई को सब्सक्राइब करके फटाफट से, और मजा आ रहा है तो लाइक भी कर देना। मस्त मस्त चीजें ऑन द वे है। तो अब इसके मेन्यू के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। तो अपने पीछे वाले जो बटन है उनके थ्रू ही हम इस पूरे मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो सबसे ऊपर मिलती है हमें गेम सेटिंग्स, और गेम सेटिंग्स के अंदर भाई गेम मोड मिलता है जिसके अंदर अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं जिससे हमारी डिस्प्ले का ओवरऑल कलर चेंज होगा। तो यहाँ स्टैंडर्ड पे कुछ ऐसा है, FPS 1 पे देख सकते हो थोड़े थोड़े कलर वगैरह जो है ना ये चेंज कर रहा है, ऐसी रेसिंग पे ऐसा, RTS 1 पे ऐसा, गेम 1 पे ऐसा, गेम 2 पे ऐसा। तो ये प्रोफाइल से तुम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, हमने अभी स्टैंडर्ड कर रखा है। बाकी इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ओवर ड्राइव का, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मिलते हैं। ये वही रिस्पॉन्स टाइम के लेवल है जो मैं पहले बता रहा था तुम्हें। इसके अलावा ये हमारा MPRT का ऑप्शन है जिसे अगर ऑन कर दोगे तो रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल इसका 0.5 मिलीसेकंड पे चला जाएगा। देन एडेप्टिव सिंक के अंदर AMD का फ्री सिंक मिलता है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो भाई। एंड यहाँ से अपना रिफ्रेश रेट मिलता है, अगर तुम्हें अपना रिफ्रेश रेट शो करना है लैपटॉप राइट टॉप पर मतलब कहीं पर भी जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। देन ये ओवरक्लॉकिंग आ गया, इसके अंदर जाके अगर हम ऑन करेंगे तो ये वार्निंग देगा कि 30 मिनट्स तक चलेगा भाई, उसके बाद चेंज पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो 280 हर्ट्ज अपना लिखा हुआ आ गया, तो ये अपना ओवरक्लॉकिंग मोड में चला गया। तो अब देख सकते हो अपना MPRT का ऑप्शन अवेलेबल हो गया जैसे ही मैंने ओवरक्लॉकिंग को इनेबल करा। अब इसको भी ऑन कर सकते हो, जैसे ही इसे ऑन करोगे तो थोड़ी सी अपनी ब्राइटनेस कम हो जाती है रिस्पॉन्स टाइम जब हम 0.5 पे ले जाते हैं, तो इससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों को, बिल्कुल अंधेरे में खेलते हो तो ज्यादा सही रहेगी विजिबिलिटी, बाकी रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, बस ये है। देन हमें स्क्रीन सेटिंग्स मिलती है जिसके अंदर तुम डिस्प्ले कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारी चीजें सेट कर सकते हो, डार्क बूस्ट को भी चेंज कर सकते हो कि ब्लैक कैसे चाहिए, HDR को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी शार्पनेस और रिलेटिव गामा के फीचर्स भी मिलते हैं हमें। बाकी कलर सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें सेट कर सकते हो, सैचुरेशन वगैरह। पोर्ट सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पर अपना इनपुट सिग्नल सिलेक्ट कर सकते हो कि इनपुट किसके थ्रू लेना है भाई तुम्हें। सेम यहाँ पर हम DP के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि DP 1.4 पे रखना है या फिर कौन से पे रखना है भाई। और एक है हमारा ये मिरर पावर बटन, ये भी एक फीचर है पोर्ट्स के लिए ही दे रखा है जो इन्होंने। बाकी मेन्यू सेटिंग्स में और भी हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, यहाँ देख सकते हो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये सारे फीचर्स भी इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो अगर तुम्हें मेन्यू से ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं करनी तो एक सॉफ्टवेयर भी Lenovo ने डेडिकेटेडली बना रखा है डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर के नाम से, जिसको आर्टरी भी कहता था पहले Lenovo, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का, वो दिखाता हूँ कैसा है। तो ये भाई अपना Lenovo आर्टरी के सॉफ्टवेयर, यहाँ देख सकते हो पहले हम यहाँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वो सारी चीजें मिलती है, इनपुट मोड यहाँ पर दिखा रहा है कि HDMI पे रखना है या DP पे, और बाकी आवाज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से साउंड का आउटपुट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मॉनिटर के थ्रू आना चाहिए या फिर लैपटॉप के थ्रू। बाकी यहाँ पर अपने मॉनिटर के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन आ रखी है, और बेसिक के अंदर जाओगे तो यहाँ पर सारी सेटिंग शो कर देगा भाई, जो चीजें मैंने तुम्हें मेन्यू के अंदर दिखाई थी वो सब चीजें हम इस बेसिक वाली सेटिंग के अंदर से चेंज कर सकते हैं। जैसे रिस्पॉन्स टाइम भी देखो यहाँ पर अपना अलग अलग लेवल्स जो मैंने तुम्हें दिखाए थे। ऐसे ही एडवांस के अंदर जाओगे तो और भी सारी चीजें जो हमने सारी इसके अंदर देखी थी ना, जैसे ओवरक्लॉकिंग का भी हमने देखा था, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। देखो अभी ऑन है करंटली ये, एंड ऐसी रिजोल्यूशन को अगर सेट करना हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। रिफ्रेश रेट देख सकते हो यहाँ पर हमने कर रखा है 280 हर्ट्ज पे। तो वो सब चीजें जो हमने अभी अपने उस वाले मेन्यू में देखी थी वो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर पे ज्यादा रिलाय करना पसंद करूंगा क्योंकि ये ज्यादा ईजी है हैंडल करना कंपेयर टू ये वाला मेन्यू, बट तुम्हें जो सही लगे तुम उस तरीके से कर सकते हो भाई। अब डिस्प्ले की बात करते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम उसी का वेट कर रहे हो। तो अपने इस मॉनिटर के साथ आती है 27 इंचेस की एक 1080p FHD रिजोल्यूशन वाली एंटी ग्लेयर VA पैनल वाली कर्व्ड डिस्प्ले, और 1500R का कर्वेचर है इसका ओवरऑल। इससे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी घुमावदार है कर्वेचर। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल इसमें हमें मिलता है। बढ़िया दिखता है साइड से, मुझे इस साइड से भी प्रॉपर दिख रहा है कि भाई कैसे अपना बंदा शूट वूट कर रहा है, ये मार दिया बंदा देख करके, जबकि मैं बिल्कुल एज पे बैठा हूँ। तो व्यूइंग एंगल बढ़िया है इसके, और मैक्सिमम 350 निट्स की ब्राइटनेस इसमें हमें मिलती है जो कि इंडोर के हिसाब से भाई बहुत सही है, मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। एंड HDR10 का भी इसमें सपोर्ट है तो इंडोर के हिसाब से कोई दिक्कत आ नहीं सकती तुम्हें। ज्यादातर बजट मॉनिटर्स में हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, बट ये तो भाई प्रीमियम चीज है ना अपनी। एंड अगर कलर्स की बात करें, क्योंकि काफी लोग कलर ग्रेडिंग और भाई इन सब चीजों के लिए भी लेते हैं, तो इसके अंदर 99% sRGB मिलती है एंड 90% DCI-P3 का कवरेज रेशियो है इसका। बाकी 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट के साथ 8 बिट की कलर डेप्थ है इसकी। तो 10 बिट वाले लोग अगर देख रहे थे इसको तो 10 बिट वाली डिस्प्ले नहीं है इसकी, बाकी 8 बिट भी इनफ ही रहती है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। 10 बिट वाले थोड़े महंगे हो जाते हैं। और आंखों के लिए भाई TV रेनलैंड के काफी ज्यादा सर्टिफिकेशन वगैरह भी है इसमें, लो ब्लू लाइट वगैरह के वो फीचर्स भी इसमें दे रखे हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है। पहले भाई अपने
गेमिंग फीचर्स की बात करते हैं क्योंकि गेमिंग मॉनिटर है भाई ये, तो गेमिंग के लिए इसमें क्या क्या मिलता है वो बताओ। तो गेमिंग वाली बात करते हैं, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसके अंदर हमें। अब तुम कहोगे भैया इसमें मेंशन तो हर जगह 280 कर रखा है, तो वाई 240? 280 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ओवरक्लॉक करके तुम अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसको 280 हर्ट्ज पर ही कर रखा है अभी, और ये 280 हर्ट्ज पे चल भी रहा है, तो उसके लिए ओवरक्लॉक करना पड़ेगा, और वो भाई डीपी वाली केबल के थ्रू ही हो सकता है। एचडीएमआई केबल से अगर तुम कनेक्ट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है इसमें, एंड उसको भी तुम मेन्यू के अंदर जाकर के भाई एमपीआरटी का एक ऑप्शन मिलता है उसके थ्रू ऑन कर सकते हो। बट एक चीज है कि ओवरक्लॉकिंग और जो एमपीआरटी है दोनों ही 30 मिनट्स तक ही काम करते हैं, उसके बाद ये वापस से अपने सेटिंग पे आ जाते हैं। जैसे आई गेस ये 30 मिनट्स हो चुके हैं, इसको कर गया अब लिंक, तो उसके बाद फिर तुम्हें फिर से ऑन करना पड़ेगा। ये थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे उस चीज के लिए कर रखा है इन्होंने, फीचर डाल रखा है सेफ्टी फीचर। बाकी रिस्पांस टाइम के अलग अलग लेवल्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जिससे तुम अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्पांस टाइम सेट कर सकते हो। वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या देख सकते हो कैसे। एंड हाँ, एएमडी का फ्रीसिंग प्रीमियम भी इसके अंदर हमें मिलता है। तो ये सारे फीचर्स अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहे कोई बात नहीं भाई, जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना उनके लिए काफी ज्यादा काम के फीचर्स हैं। हमें तो भाई 120 हर्ट्ज भी बिल्कुल स्मूथ लगता है, मतलब 120 240 सब बराबर भाई अपने लिए। अगर प्रॉपर वाले तगड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो तुम्हारे लिए रिस्पांस टाइम और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो इस मॉनिटर में वो सब चीजें दे रखी हैं। एक तगड़ी चीज ये कि इसके अंदर हमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं और 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं 3 वॉट्स के आउटपुट के साथ। तो एक बार उसका आउटपुट सुनाता हूं, तो देख सकते हो गेमिंग करते वक्त कैसी आवाज आती है इसके स्पीकर से। डिसेंट है, काम चल जाएगा बढ़िया, मतलब एक्सटर्नल स्पीकर जबरदस्ती नहीं लगाने पड़ेंगे, बाकी हेडफोन्स के थ्रू ही आएगा असली आउटपुट। तो एक बार गाना भी सुना देता हूँ। ओ भाई शिट, काफी तगड़ी आवाज आ रही है स्पीकर से, हल्की हल्की बेस भी आती है, एंड लाउडनेस ठीक है, मतलब डिसेंट इनफ तुम्हारे एक रूम में बैठ के अगर तुम्हें गाने वाने सुनने और काम वाम करना तो उसके लिए बहुत सही है भाई। और एक चीज ध्यान रखना, स्पीकर्स भाई इसके ऊपर वाले हैं, जो लेनोवो के लोगों के नीचे हमें एक स्ट्रिप मिलती है ना छेद वाली, भाई वो इसके स्पीकर्स हैं, और वेंट्स एक्चुअल में इसके नीचे दे रखे हैं जो मैं स्पीकर समझ रहा था पहले। बाकी आवाज काफी अच्छी है, मतलब मेरे को अभी तक किसी भी मॉनिटर में इतने सही स्पीकर नहीं लगे हैं। बिना डेस्कटॉप स्पीकर के भी तुम्हारा काम चल सकता है बढ़िया, अगर एडिटिंग वगैरह करते हो या गेमिंग करते हो नॉर्मली, पर प्रॉपर मजा चाहिए तो फिर हेडफोन यूज कर लेना, और क्या दिक्कत है। तो मैंने इसके अंदर गेम्स वगैरह खेल के पूरा टेस्ट करके देख लिया इसका, और मेरे को भाई काफी मजा आया इसके अंदर गेम खेलने में। एक तो जो कर्व डिस्प्ले है ना भाई, उसका अलग ही एक्सपीरियंस रहता है अगर फ्लैट के कंपेयर में देखे तो, मतलब एक इमर्सिवनेस थोड़ी सी मिल जाती है कि भाई साइडों से भी एकदम थोड़ा थोड़ा एज मिल रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलता बट थोड़ा एक बेनिफिट रहता है, मतलब मेरे को पर्सनली सही लगते हैं कर्व्ड मॉनिटर्स। बाकी अगर मल्टी मॉनिटर सेटअप बनाना है तो ये चीज ध्यान रखना कि तुम्हें कर्व्ड लेना या फ्लैट, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। बाकी रिफ्रेश रेट इसका तगड़ा है तो भाई गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। ई-स्पोर्ट्स गेमिंग तो बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की तुम्हारी हो जाएगी। रिस्पांस टाइम भी मैंने बिल्कुल एकदम एमपीआरटी करके चेक करा, तो मतलब मेरे को फर्क महसूस हुआ, हालांकि कितना फर्क लगा वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऐसे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूं ना, तो मेरे को इतना फर्क पता नहीं चलता। बाकी हाँ, जो बंदा प्लेयर है उसे डेफिनेटली फर्क पता चलेगा। तो ओवरऑल गेमिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है, इवन अगर तुम कंसोल गेमिंग भी करते हो, PS5 या एक्सबॉक्स वगैरह लगा के गेम खेलना चाहते हो तो वो भी बढ़िया हो जाएगा इसमें, उसके लिए भी डेफिनेटली एक तगड़ा मॉनिटर ही हो सकता है अगर कंसोल गेमिंग करनी है। एंड पीसी के लिए तो है ही मतलब तगड़ा, मतलब 1080p वाले मॉनिटर में जो मिल सकता था ना सब दे दिया इन्होंने, गेमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें सारे फीचर डाल दिए भाई। एंड VA पैनल गेमिंग के लिए अच्छा ही होता है, तो वो चीज भी तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगी। बाकी अगर मल्टीटास्किंग करते हो, प्रोडक्टिविटी करते हो, तो वो सारे काम भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम कर सकते हो। बस एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है ना, लाइक अगर तुम कलर ग्रेडिंग वगैरह के लिए मॉनिटर खरीद रहे हो, तो वैसे तो कलर गैमेट अच्छा है इसका, लेकिन उसके लिए मैं VA पैनल रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हें स्पेशली कलर ग्रेडिंग के लिए मॉनिटर चाहिए तो IPS पैनल के लिए जाओ। अगर ऐसा है कि गेमिंग ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी हल्की फुल्की करनी है, देन इसके लिए जा सकते हो, नहीं तो फिर प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा करनी है तो फिर मैं IPS वाला रेकमेंड करूंगा, क्योंकि कलर स्पेस थोड़ा बेटर रहता है IPS का VA पैनल के कंपेयर में। बाकी प्राइस इसका कुछ 17,000 से 18,000 के आसपास रहता है, एंड उस प्राइस के अंदर जो भी चीजें लेनोवो ने ऑफर करी है ना भाई, वो फ्लैगशिप है, मतलब सब तगड़ी है। मेरे को भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। कुछ लोगों को डाउट होता है कि वॉबलिंग करती है नहीं, तो देखो हल्की हल्की वॉबलिंग है जो हर मॉनिटर में होती है, बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा स्टेबल है, मेरे को इतना ज्यादा फील नहीं हुआ इसमें। तो अपने हिसाब से देख लेना, डिसीजन बना लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको खरीदने का लिंक डाल दूंगा, और इन वीडियोस को भी चेक करके जाना। अब किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।